हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय डे हम 98। सो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स या पार्ट्स ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक सिरिंज लिया है जो कि 3 ml की है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे एंड उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस सिरिंज को इसके रैपर से अलग कर लिया है एंड इसे अब हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद ये जो सिरिंज होती है 2 parts में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं नीडल, ठीक है, और जो इसका सेकेंड पार्ट है इसको हम सिरिंज के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक एक करके इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिरिंज होती है, सिरिंज के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने सिरिंज लिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं बैरल, ठीक है, यानी कि जिस पे नंबरिंग की गई है, या यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इस पोर्शन को हम बोलेंगे बैरल, ठीक है। बैरल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉप पोर्शन बना हुआ है, ये अपर का पोर्शन जो बना हुआ है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम एडॉप्टर या हब के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो नीडल होती है वो आके अटैच होती है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम नीडल को यहाँ पे अटैच करें तो ये यहाँ पे आके लॉक हो रही है। इस लॉकिंग लॉक को ही हम बोलते हैं लिवर लॉक, ठीक है, जहाँ पे कि जो नीडल आके अटैच होती है, ओके। इसके बाद इस बैरल वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे कुछ यहाँ पे स्केल बने हुए हैं, ठीक है। इस स्केल को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन स्केल, जिससे कि ये मेजर आउट किया जाता है कि किसी भी पर्सन के अंदर जो मेडिसिन है वो कितने अमाउंट में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बैरल का पोर्शन है, इसके एंड पॉइंट पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बैलर फ्लैंज के नाम से जानते हैं, यानी बैरल फ्लैंज के नाम से इसे जाना जाता है, जिससे कि जो नीडल होती है, सॉरी जो सिरिंज है, इसको प्रॉपर वे में होल्ड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, वाइट टाइप का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वाइट इन कलर में जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लंजर, ठीक है। प्लंजर के भी इंड में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी हम प्लंजर फ्लैंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी बैरल के इंड में जो स्ट्रक्चर है उसे हम बैरल फ्लैंज, और प्लंजर के जो इंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम प्लंजर फ्लैंज के नाम से जानते हैं, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लंजर है, इसमें एक ब्लैक कलर का पोर्शन है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है। इस ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को हम प्लंजर सील के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी मेडिसिंस को अगर जो सिरिंज है इसके अंदर अगर लिया जा रहा है तो ये बाहर नहीं निकलती है, यानी कि एक सील का काम करता है, पैक किसी भी मेडिसिन को अच्छे तरीके से होल्ड करने का ये काम करता है, जिसको कि हम प्लंजर सील के नाम से जानते हैं, ओके। सो एक बार और हम इसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पोर्शन को हमने बैरल बताया, ये जो अपर पोर्शन होता है इसे एडॉप्टर या हब के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जब नीडल आके लॉक होती है उस पोर्शन को हम लिवर लॉक कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन बना हुआ है इसे हम प्लंजर के नाम से जानते हैं, एंड प्लंजर के जो इंड में स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इसे प्लंजर फ्लैंज के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो बैरल है, बैरल के भी इंड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बैरल फ्लैंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये बैरल है, इस बैरल के ऊपर एक स्केल नुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, इस स्केल को हम कैलिब्रेशन स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्लंजर है, प्लंजर के टॉप पोर्शन पे एक स्ट्रक्चर होता है ब्लैक पार्ट में, ब्लैक कलर में, उस पार्ट को हम प्लंजर फ्लैंज सॉरी प्लंजर सील के नाम से जानते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नीडल जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो नीडल है उसके ऊपर एक कवर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, या एक कवर लगा हुआ होता है, जिस कवर को हम नीडल प्रोटेक्टिव कवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। या सिंपली हम इसे प्रोटेक्टिव कवर के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि नीडल को मतलब प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, या किसी पर्सन को इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक नीडल है, ठीक है। नीडल के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेनली इसके 3 parts होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, इस पार्ट को हम हब के नाम से जानते हैं,
ठीक है। जो निडिल होती है, निडिल का जो बीच पोर्शन होता है, यानी कि जो सेंटर का पोर्शन या मिडिल पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम सॉफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी सॉफ्ट के नाम से इसे हम जानेंगे। एंड जो इसका टॉप पोर्शन होता है, जो अपर का पोर्शन होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बेवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो निडिल है, ठीक है, निडिल का जो अपर पोर्शन है, इस पर एक होल होल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अपर पोर्शन है, इस पर एक होल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा, ये इस होल को हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर किसी भी मेडिसिन को, अगर किसी ह्यूमन बॉडी में अगर निडिल को इंसर्ट किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू जो मेडिसिन होती है वो बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। मीन्स मेनली अगर हम पार्ट्स की बात करें तो जो निडिल होती है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम हब के नाम से जानते हैं, ये जो मिडिल पोर्शन बना हुआ है, इस मिडिल पोर्शन को हम सॉफ्ट के नाम से जानते हैं, एंड जो इसका अपर पोर्शन होता है, उस अपर पोर्शन को हम बोलते हैं बेवल, ठीक है। इस बेवल वाले पार्ट पे ही एक होल नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस होल को ही हम बोलते हैं, इस होल को हम ल्यूमेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।